दोन सनाइरफ मालूम करने के लिए, या तो हमें फिर एक रास बी या बी रास ए में मालूम होने चाहिए, या अगर नहीं है तो आप बिल्कुल खुद भी कर सकते हो। सनाई रब्त या बाइनरी रिलेशन से क्या मुराद है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का कोई सा सबसेट, क्या 33 सेट, किसी कार्टेसी असली जरब का 33 सेट क्या कहलाता है? सनाई रब्त या बाइनरी रिलेशन कहलाता है। तो मतलब सहूलत की खातिर अगर आप इसको आप लिख ले तो अच्छी बात होगी, वरना जब आप एक्सपर्ट होंगे तो ज़रूरी है कि आप इसको बनाएं। एक रास भी पहला ये मालूम करते हैं, तो ए किसके बराबर है? -2 -1 0 1 क्रास बी 1 2। तो पहले -2 को इन दो के साथ पेयर बनाए, आर्डर पेयर ये चीज, और -2 उसके लिए -1 into 1 -1 2 ये चीज। अब इसके बाद इसकी 0 0 को 1 के साथ 0 1, फिर 0 को 2 के साथ 1 को 1 के साथ और 1 2 के साथ, ये हमारे पास आ गया। तो सनाई रब से क्या मुराद है कि इसका कोई सा सबसेट, ठीक है, सबसेट। चलो ए क्रॉस बी के 2 सनाई रवाबित, रवाबित या रब लिखते हैं, रवाबित भी कहते हैं जमा, यानी बाइनरी रिलेशंस ऑफ टू बाइनरी रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी। तो पहले क्या, आप इसको चूंकि बाइनरी रिलेशन मैंने बताया, इसको हम आर का नाम देते हैं, आर, लेट्स से आर वन। तो इसका कोई सा सबसेट ले लें, सबसेट से क्या हम मसलन ये ले लें आप -2 1, कोई और आप लिख लें 0 2, हाँ 1 1 0 1, चलो इसी को ले लें ये। तो अपनी तरफ से देखिए, इनके तमाम जो एलिमेंट्स हैं आर्डर पेयर वो सारे इसमें हैं, ठीक है ना जी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसका बाइनरी रिलेशन। इसका कोई सा यानी कार्टेसी असल जरा या कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सा सबसेट, दैट इज़ नोन एज बाइनरी रिलेशन, ठीक है। अब क्या करना है, इसका हमने डोमेन अलग करना है, डोमेन ऑफ ये बताया ना, दूसरा डोमेन और रेंज भी लिख लें। तो डोमेन ये आप इसको मुख्तसर भी लिख सकते हैं, डोम या डोमेन ऑफ आर वन। अच्छा, डोमेन से क्या मुराद है कि बाइनरी रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है उनके पहले अरकान का सेट, पहले अरकान का सेट। ये देखिए -1 -2 और क्या है 0 और क्या है 1, ये हम डोमेन कहलाएगा। रेंज इसका क्या होगा, रेंज ऑफ आर वन। बाइनरी रिलेशन में ऑर्डर पेयर के अरकानों में दूसरे जो एलिमेंट्स है उनका सेट 1 2 1। तो आप इसको सिर्फ दो मरतबा लिख लें, ये दो मरतबा आया, एक दो मरतबा इधर डोमेन आया, आप इसको सिर्फ एक मरतबा लिख सकते। तो इस तरह कई रब्त या बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा है, दो। तो एक दरम मैंने लिख लिया, एक और भी लिख लेते R2 क्या लिख ले, 0 ये चलो ये लिख लिया, फिर उसके बाद क्या लिखा -1 2, अपनी तरफ से मैंने बताया, ये जरूरी नहीं, ऑप्शनल है, आप जो कहा जहाँ से भी आप ले 0 1, हाँ और क्या है 1 2, बस मेरे ख्याल काफ़ी है। अब इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो सबसेट खुलासा ये हमने बना लिया। अब इसका क्या लेना है,
डोमेन, या इसको पूरा लिख ले या डोम लिख ले, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। डोमेन ऑफ ऑफ आर टू, ये इसको अपने आर टू का नाम दे तो आर टू, तो दूसरे एलिमेंट्स माइनस टू माइनस वन जीरो वन, माइनस टू माइनस वन जीरो और वन। मैंने बताया कि जो डोमेन है वो बाइनरी रिलेशन में मौजूद जो ऑर्डर पेयर है उसके पहले अरकान का सेट। रेंज क्या है? रेंज इज द सेट ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन द ऑर्डर पेयर, इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। इसका जो सेकेंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर आर टू में, टू यहाँ पर भी टू है तो एक बार मरतबा लिखेंगे, इसके बाद वन है फिर टू है, ये वन टू, ये भी वन टू आ गया। बहरहाल ये समझ गए बात, तो ये इसी तरह। अब क्या बताया कि बी क्रॉस ए में भी, बी क्रॉस ए, तो वो आप खुद कर ले, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, पहले बी क्रॉस ए मालूम कर ले, क्या मालूम कर ले, ये किस तरह मालूम करेंगे, ये वन टू यहाँ पर लिख लिया क्रॉस ए, ए किसके बराबर है, और माइनस टू माइनस वन जीरो और वन, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले ले, फिर इनका कोई सा दो सब सब ले ले, सब सेट ले ले, ठीक है। तो वो आर थ्री आर फोर आप नाम दे कर सको, क्रॉस आप मालूम कर ले, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप खुद कर ले। पहले इस एलिमेंट को सबके साथ हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, वन माइनस टू, फिर वन माइनस वन, वन माइनस वन, वन जीरो, वन वन, ये चीज। इसके बाद क्या है, टू माइनस टू, टू माइनस वन, टू जीरो, टू वन, ये चीज। ये अब इसका कोई सा दो सबसेट आप निकालें, चलो इसको मैं आर थ्री का नाम देता हूँ, तो यहाँ से आप पिक कर ले अपनी तरफ से, वन माइनस टू, वन वन ज़ीरो, ठीक है, वन वन, टू माइनस वन, बस ये, चलो एक और, ठीक है, बस याद रख काफ़ी है ये चीज़। अब इसका डोमेन लिख ले, डोमेन, डोमेन आप मुख्तर लिख ले आप, डोमेन ऑफ आर थ्री दैट इज द सेट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इन द ऑर्डर पेयर ऑफ आर थ्री। तो पहला वन वन वन, ये एक मरतबा, एक मरतबा लिखेंगे, फिर टू, ये टू आ गया, फिर इसका रेंज क्या आ जाएगा, द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर इन द आर थ्री, माइनस टू जीरो वन वन, माइनस टू, फिर क्या है, ज़ीरो वन और माइनस वन, ये चीज क्लियर। तो इसी तरह एक और ले ले, लेट्स से आर फोर, आर फोर आप ले ले, इनमें से कोई एक ले ले, टू माइनस टू, हाँ टू माइनस वन, वन वन, वन माइनस वन, इस तरह हमने ले लिया। अब इसका रेंज डोमेन निकालिए, डोमेन ऑफ आर फोर द फर्स्ट एलिमेंट, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन आर फोर, ये टू टू वन वन, इसका मतलब क्या आ गया, वन टू आप लिख सकते हैं, ठीक है, टू वन वन टू, एक ही बात, ठीक है। ये वन 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 पहले लिख लिया, टू मतलब ज़रूरी नहीं है, टू वन भी लिख सकते, कोई ऐसी बात नहीं है। रेंज of R4 minus 2 minus 1 1 minus 1 minus 2 minus 1 इसके बाद क्या है 1 फिर minus 1 minus 1 पहले हम लिख चुके हैं तो ये लिख चुके हैं आप तो लिखने की जरूरत नहीं ये चीज सही है
यहाँ पर टू बाइनरी टी डब्ल्यू ओ टी, दो बाइनरी रिलेशंस, एक रास्बी में दो सनाई रब्त, एक रास्बी में अगर आप उर्दू में लिख लें, एक रास्बी में दो सनाई रब्त। बाइनरी का मतलब होता है, ये बाइनरी का मतलब होता है दो, ठीक है। अब चूंकि ये जो सबसेट है रिलेशन में, हर एलिमेंट किस पर मुश्तमिल होता है, हर एलिमेंट एक आर्डर पेयर पर मुश्तमिल होता है, जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, दो दो, तो इस वजह से इसको नाम दिया, क्या क्या नाम दिया है, बाइनरी या सनाई रब्त। सना सनाई दो को कहते हैं, बाइनरी भी सनाई या बाइनरी एक ही बात है, रब्त ये रिलेशनशिप, रिलेशन से मुराद इस बी क्रास ए या एक क्रास बी का सबसेट। आई होप क्लियर हो गई बात।